हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। अगर आप लोग हुंडई i20 डीजल के अगर फैन हो तो भाई सीधे शब्दों में इस गाड़ी को अभी ले लो, क्योंकि 2023 में आपको ये गाड़ी बंद हो जाएगी। डिसकंटिन्यू कर रहे हैं हुंडई वाले इसको। चलिए पूरी रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। भी आपको पता ही है कि मारुति ने डीजल इंजन को बंद कर दिया है, और इसके अलावा कई कंपनी ने BS6 के चलते अपनी गाड़ियों के डीजल इंजन को बंद कर दिया है। और अभी 2023 में कुछ न्यू नॉर्म्स आ जाएंगे, तो उसके चलते काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और ये तो आपके पता है बजट सेगमेंट वाली गाड़ियाँ थी। अभी मारुति, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, निसान, इन कंपनी ने अभी डीजल इंजन को बंद कर दिया है। और अभी कुछ न्यू ड्राइविंग इमिशंस जैसे RDE नॉर्म्स के चलते अभी काफ़ी दिक्कत आने वाली है 1 अप्रैल 2023 के बाद। ये प्रॉब्लम आपको खासकर जो छोटी गाड़ियाँ हैं आपकी उसमें देखने को आम मिलेगी। और RDE नॉर्म्स के चलते इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू कर देंगे ये i20 को। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसका कारण क्या है कि जो इस गाड़ी में ये डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। भाई RDE नॉर्म्स के चलते ये अपडेट भी तो कर सकते थे इंजन में, क्या दिक्कत है ऐसे। भैया यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही थी कि आपके 2023 जो आने वाला है उसमें 1 अप्रैल से जितनी भी डीजल कार्स हैं उसमें एक सिस्टम लगने वाला है, इंस्टॉल होगा वो, जो कि SCR सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम है, जो सभी डीजल गाड़ियों में इंस्टॉल किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ये अपग्रेड। साफ सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी महंगी गाड़ी है उसमें तो ये अपडेट बनता है, क्योंकि जो पहले से महंगी गाड़ी अगर थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ भी जाता है तो उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो यहाँ पे बजट सेगमेंट में गाड़ी आती थी जो आपको 8-10 लाख की आती थी, i20 हो गई, बेलिनो हो गई, ये सब अगर इसमें डीजल इंजन पे अगर अपग्रेड किया जाए और इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए तो काफ़ी खर्चा आने वाला है। और अभी तो आपको पता है कि i20 को आप ओवर प्राइस्ड कहते हो, भाई कहीं ना कहीं मैं सच बोलूँ आपको तो ओवर प्राइस्ड है भी आ रही है। इसकी जो सेकंड जनरेशन आई थी ना वो मुझे काफ़ी पसंद थी, ये जो अभी इसकी जो जनरेशन चल रही है इस समय करंट, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से इन्होंने कुछ इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ा दिया है। चलो ये तो यार चॉइस की बात होगी कि मेरे को पसंद है या नहीं है, आप लोगों को भी काफ़ी लोगों को पसंद होगी। और मैं पहले से ही i20 का फैन रहा हूँ, मुझे पहली वाली जनरेशन और सेकंड जनरेशन काफ़ी पसंद आई है। जो i20 इसका थोड़ा इन्होंने काफ़ी ओवरलुक कर दिया और ओवर प्राइस्ड हो गई है, तो ये चीज़ अगर ये डीजल इंजन में अपडेट करते हैं तो काफ़ी भाई खर्चा होने वाला है, तो इसलिए रहने दो। और ऊपर से एक रीज़न और हो सकता है, वो भी सुन लो आप ज़रा, कि मारुति ने जब बलेनो में डिसकंटिन्यू कराई डीजल इंजन तो इनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। अभी भी आप इनकी सेल को उठा के देख लो, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, बल्कि और सेल बढ़ गई है इनकी। और i20 की बात करूँ तो पहले के मुकाबले में अब कम बिक रही है, और उसके बाद भी जो डीजल इंजन की सेल है i20 में वो कोई ज़्यादा नहीं रही है, अब कम है। अब इसकी सेल रहती है कुछ 700 यूनिट पर मंथ रहती है, ये एक एवरेज फिगर बता रहे हैं। देख सकते हैं आपको सेल फिगर, जो कि सबसे ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा कि मारुति है। आपको अभी याद होगा कि ग्रैंड आइटन नियोस और ओरा, इसके भी डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करा था इन लोगों ने अभी। इसके बाद अभी i20 का नंबर भी आने वाला है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वेन्यू में भी सेम इंजन आता है तो क्या वेन्यू को भी बंद कर देंगे? नहीं भाई, इसकी जो सेल रहती है ना वो 35% रहती है, i20 की 10% थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 35% यहाँ पे वेन्यू की है तो ये लोग क्यों बंद करेंगे उसको? थोड़ी सी महंगी जरूर कर देंगे पर डीजल इंजन के साथ आएगी वो। इसमें मिलेगा क्रेटा, वरना, अल्केजार और हुंडई वेन्यू में जो आपको अपग्रेड मिलेगा वो आपको 1.5 लीटर का CIDI डीजल इंजन ही मिलेगा। उसमें आपको RDE का अपग्रेड कर देंगे ये लोग, तो उससे महंगा तो ज़रूर हो जाएगा, ओवर प्राइस्ड भी थोड़ा सा हो सकता है, पर गाड़ी अच्छी बिक रही है तो भाई बिकेगी फिर भी। भाई इस चीज़ को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जौन सी चीज़ मार्केट में चलेगी वो उस चीज़ को चलाते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। अगर एंट्री लेवल सेगमेंट पर अगर इतना खर्चा और किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई लेगा। जो ये खर्चा फालतू करेंगे i20 पे डीजल इंजन पे तो वो वर्थ नहीं है, इसलिए आप पेट्रोल में लो। अभी आप ले सकते हैं डीजल इंजन, कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अभी डिसकंटिन्यू नहीं करी है, नेक्स्ट ईयर ही होगी है। भाई जितने भी लोग i20 लवर हैं वो अभी डीजल इंजन को ले लो, बहुत बढ़िया है भाई पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। हुंडई की आपको डीजल इंजन पता है कि पावर में क्या बढ़िया है, चाहे आपको वो वरना में ले लो, क्रेटा में ले लो, चाहे वो i20 में ले लो, पावर के मामले में डीजल इंजन का कोई मुकाबला नहीं है भाई। इनकी तरफ से आने वाला CIDI डीजल इंजन काफ़ी बढ़िया है, बेस्ट है, वो तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो इस गाड़ी के साथ वो बंद कर रहे हैं। बाकी कमेंट करना कि कितने लोगों को सेकेंड जनरेशन i20 की पसंद थी, जो प्राइस वाइज और लुक्स वाइज भी काफ़ी बढ़िया थी, और डीजल इंजन में तो क्या बात थी उस गाड़ी की। जो भी आपके समझ में कोई कमेंट आता हो, राय हो आपकी, आप कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।